आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। हेरिक्टनगंज रिपोर्ट, वीके यादव ब्यूरो। आने जाने वाले रास्ते के मामले को लेकर बच्चों ने विकास के कार्यों पर साधा निशाना। नहीं चाहिए हमें ऐसा नेता विधायक जो अपने वादों से मुकर जाए, जीतने के बाद भी बच्चों को आने जाने के लिए रास्ते ना बनवा सके। उपरोक्त बातें 75वें अमृत महोत्सव के पर्व पर RDJT शिक्षण संस्थान भावपुर सिंधोरा शिक्षा क्षेत्र हरिक्टनगंज अयोध्या की छात्राओं ने कही। फिलहाल क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। दरअसल कई वर्षों पूर्व से भावपुर सिंधोरा में संचालित RDJD शिक्षण संस्थान में बच्चे शिक्षण कार्य ग्रहण करें, लेकिन अफसोस की बात है इस विद्यालय में पहुंचने के लिए रास्ते की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सर पर बारिश का महीना, बच्चे किस तरह कीचड़ और मिट्टी में जाते हैं, कई बार गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है, जिस पर आज तक कोई भी संबंधित विभाग अमल नहीं कर पाया। यह शिक्षण संस्थान विधानसभा मिल्कीपुर और विधानसभा गोसाईगंज क्षेत्र से आती है, जिसमें दोनों तरफ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। चुनाव के दौरान दोनों तरफ के विधायकों ने स्कूल में आने जाने के लिए रास्ता बनवाने का वादा भी किया था। बच्चों का आरोप है कि जीतने के बाद आज तक कोई भी नेता विधायक देखने तक नहीं आया। फिलहाल क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अंजलि यादव। अंजलि जी, एक बात बताइए, आप जो है स्कूल का, आप क्या नाम है? RDJD शिक्षण संस्थान। कितने वर्षों से आप यहाँ पढ़ रही हैं? 4 वर्षों से। पढ़ाई को लेकर के आप क्या कहेंगे, यहाँ की पढ़ाई की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी है? यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, इसी को देखकर हम यहाँ पर आए हैं, इसी पढ़ाई और सुविधा को देखकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुशासित बच्चे रहते हैं। यहाँ पर अनुशासनहीन बच्चे नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुशासित बच्चे रहते हैं, शासन का पालन करते हैं, जो शासन सिखाया जाता है उसका पालन करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, इतनी अच्छी सुविधा है, ये ऐसे कहीं स्कूलों में नहीं हो सकती है। ज्यादा पढ़ाई आपको कौन करता है, मैडम कराती हैं या मास्टर कराते हैं? सर और मैडम दोनों लोग कराते हैं। दोनों कराते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, रास्ते में आप लोग आते होंगे? आते हैं? यस सर। सभी को दिखना। तो बेटा ये बताओ, रास्ते में आते हो तो रास्ते में जो परेशानियां हैं उसके बारे में बताओ हमको, कि क्या परेशानी पड़ रही है रास्ते में आपको आने में? हम सब लोग बहुत दूर से आते हैं। हाँ, कितने किलोमीटर लमसम बेटा? 6-7 किलोमीटर। अच्छा, रास्ता कैसा है आपका? रास्ते कच्ची है। कच्चे रास्ते। अच्छा, बारिश में आप लोग कैसे जो है स्लीपर हाथ में ले लेते हैं और उसको आधा बटोर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। कभी आप लोग गिर भी गए हैं? यस सर। चोट भी आई है? आप लोग जो है यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के जो ग्राम पंचायत प्रधान हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? जब वोट पड़ रही थी जी, तो घर पर जाते थे, हाथ जोड़कर पैर पड़ते थे, और इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं कि, तब बोले थे मेरे माता पिता से बोले थे कि हाँ, तुम्हारे बच्चों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध होगी, सारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन अब इस समय दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे वादे हमें नहीं चाहिए, वादा करके आए थे, ऐसे नेता विधायक हमें नहीं चाहिए कि जो वादा करके छोड़ देते। मतलब आपकी मांगों को पूरा नहीं किया? नहीं, नहीं किया। अच्छा, अगर अभी चुनाव हो जाए तो आप मतदान करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि यहाँ बच्चों का जो भविष्य है वो जो लंगड़ा होता दिख रहा है। कारण है कि यहाँ जो विकास वाला समस्या खड़ी हो गई है, बच्चे आ रहे हैं कैसे, जा रहे हैं कैसे, गिर रहे हैं, उनके पैर में चोटें आ रही हैं, कपड़े खराब हो जा रहे हैं, रिटर्न वापस जा रहे हैं, ऐसी समस्याओं को लेकर के हमारे जो विकास कार्य पे सीधे तौर पे सवाल खड़ा हो रहा है। तो हम जो है अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जो आज खुद देख रहा हूं, और लोगों की शिकायत भी रहती है कि ये सड़क वाली समस्या सबसे बड़ी है, बाकी लेकिन जो बच्चे हमारे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो जागरूक हैं और बड़ी मेहनत के साथ हमारे बच्चे जो है स्कूल में आते हैं, बड़ी दूर दराज से आते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं। तो निश्चित रूप से हम आज़ादी का जो ये आज कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, हम लोग इसको कभी जो है किसी भी प्रकार से इसको, इसकी जो चमक है उसको धीमी नहीं होने देंगे, अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों को उत्साहित करके प्रोत्साहित। तो 75वां वर्ष में जो आज़ादी मनाई जा रही है बहुत ही अच्छी है और बहुत खुशी की बात है, पूरा देश घूम रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के अव्यवस्थाएं हमेशा मिलती हैं। इस स्कूल को लेकर के अगर अव्यवस्थाएं हैं तो मात्र यही है कि जो बच्चे स्कूल आते हैं जाते हैं, इनके आने जाने के लिए रास्ता सुचारू रूप से नहीं है, जो भी है वो कीचड़ से गुजरते हुए आते हैं, कभी साइकिल गिरती है तो कभी बच्चे गिरते हैं, कभी चोट खाते हैं,
तो बच्चों का जो जो रास्ता बनता है, जो मंजिल तक जाने के लिए रास्ता बनता है, वही बाधित हो चुका है। जबकि ये विधानसभा मिल्कीपुर क्षेत्र में आता है, यहाँ के विधायक भी समाजवादी पार्टी से रहे हुए हैं। और मैं दो शब्द और उनके बारे में बताना चाहूंगा कि उनके द्वारा जगह जगह से जब जब भी हमने कहीं नहीं ऐसी खबरें प्रकाशित की है तो उसमें ये दिखाया गया है कि विधायक जी ये वादा किए थे लेकिन अभी तक वादे पे वो खड़े नहीं उतरे हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि बच्चे जो होते हैं वो जो है देश का भविष्य होते हैं, तो देश के भविष्य के साथ जितना हो सके जो है इसका सहयोग करें। आइए, हमारे बीच में हमारे भाई साहब एक मौजूद हैं। क्या नाम भाई साहब? माधवेंद्र प्रताप। महोदय, हम एक बात जानना चाहेंगे, बच्चों के आप शिक्षण कार्य पे जो है प्रकाश डालिए, उनके भविष्य को लेकर के जो उनके अभिभावक हैं वो किस तरीके से उनको गाइड करें, जरा हमें बताएंगे। जैसे हमारे क्षेत्र के अभिभावक एवं हमारे बच्चे, बच्चों ने जो सहयोग आज तक हमारे विद्यालय में दिया है उस पे उससे हमारा विद्यालय और हमारा विद्यालय परिवार बहुत ही खुश है। हमारे विद्यालय में जो भी पढ़ाई को लेकर के व्यवस्थाएं हैं